प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालु थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। ये सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वह वन चला गया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो वीप्रवण, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिव, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। ये तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। इन सब बातों से मैं दुखी हो चुका हूँ। वह संत उसकी बात सुनकर उसकी ललाट की रेखाओं को देखता है। रेखाओं को देखकर वह कहता है कि ब्राह्मण, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। वासना को छोड़ दो, सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त का मार्ग बताएं। जब वह संत देखता है कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को अमादा है, तब वह संत अपनी झोली से एक फल निकालते हैं और कहते हैं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। आत्मदेव अपने घर लौट आए और वह फल अपनी पत्नी को दिया और स्वयं कहीं चले गए। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी, उसने वह फल नहीं खाया। वह आत्मदेव के कहने पर फल रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती होने का नाटक करना। धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दिया। पुत्र हुआ यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। उधर गौशाला में गाय को भी बच्चा हुआ। वह देखने में मनुष्य के जैसे था, लेकिन उसके कान गाय के थे। आत्मदेव ने यह देखते ही उसे गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दृष्ट नशेड़ी, क्रोधी, चोर, व्याभिचारी, माता पिता को सताने वाला निकलता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वह गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी से वैराग्य का उपदेश देता है और कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में चले जाएं और भगवान का भजन कीजिए। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन जाते हैं। बाद में धुंधली पुत्र के अत्याचारों से तंग आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए चोरी करता है, डाका डालता है। वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता, तब वे सभी मिलकर उसके मुंह में दहकते अंगारे डाल देती हैं। वहां वह तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गाँव आए। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। अपने भाई गोकर्ण को देखकर धुंधकारी बहुत खुश हो जाता है। धुंधकारी गोकर्ण जी को आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछते हैं कि तुम कौन हो? गोकर्ण ने भूत पर थोड़ा जल छिड़का। तब धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं प्रेत योनि में पढ़ा, ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाऊं। गोकर्ण कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आई मैंने तुम्हारे लिए विधि से ग्याजी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चलता, तब अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव के बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई, सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा।
वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप में उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा का विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने के बाद धुंधकारी पवित्र होकर एक दिव्य रूप धारण करके खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया, तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही धुंधकारी विमान पर चढ़ गया।